जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम एडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, यानी इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक करवा चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। ये था आपका 67, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया। ये चलाया था मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला में ऑपरेशन शैडो चलाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। ये आपका पटना जिला में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बांका जिला में, यानी बांका जिला के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फाइव है, क्वेश्चन है कि पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये क्या हुआ, ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन है 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ये क्या आपका पटना जिला में किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन है कि काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये किया जाएगा आपका बक्सर जिला में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का एट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। ये बना आपका NIT पटना, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है कि बिहार राज्य का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। ये आपका पटना जिला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 10, क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आपका 2030 तक इसका लक्ष्य रखा, यानी बिहार में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सवौर कृष्णकली किस सब्जी का एक नई किस्म है। ये आपका बैगन की एक नई किस्म है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलक मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है। ये खुली आपका भागलपुर जिला में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है, यानी बिहार में वन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है और आपका यानी वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वन के क्षेत्र में आपका 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, वही आपका वृक्ष के क्षेत्र में आपका 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन आपका है कि गैंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पटना जिला में किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है, उसका संबंध बिहार के किस जिले से है। तो उसका संबंध बिहार के खगड़िया जिले से है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। ये पटना जिला में किया जा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 17 है, क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ये करेगा आपका वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो 17% का लक्ष्य रखा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है, तो लोहार से वापस लिया है, ये आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 20 है, क्वेश्चन है कि हाल ही में टीबी रोग को के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है। ऑप्शन ए होगा कि फिश ऑन व्हील्स योजना। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है। देखिए देश की पहली है इसलिए आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 22 है, क्वेश्चन है बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे आपका नरेंद्र मोदी, इससे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, बिल्कुल सही है। बी है कि इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने किया, ये भी सही आपका। सी है कि स्तंभ के शीर्ष पर बिहार के प्रतीक बोधि वृक्ष है जिसे काशी से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है, ये भी सही आपका, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में स्वचलित सीढ़ी लगाने की घोषणा की है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपका ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा जिले में है, याद रखिए ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो आपका नवादा जिले में है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी VC कौन बने गए हैं, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं, तो ये बने आपका डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 26 है, क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले में बनाया जा रहा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपका कैमूर जिले में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देखिए यानी जो बिहार में यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई करेंगे इसे बिहार सरकार 1,00,000 रुपया देंगे, 1,00,000 रुपया बिहार सरकार प्रोत्साहन के रूप में देंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है, ये आपका पहला राज्य बना है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 30 है, क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है, ये आपका सुपौल और दरभंगा जिला में बनाया जा रहा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन आपका 31 है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये लिखा था याद रखिएगा, ये ऑप्शन डी होगा, संजीव कुमार झा ने लिखा था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये करेंगे आपका आई आई टी कानपुर के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 33 है, क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लेमेंट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये खुला आपका पटना जिला में खोला गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार सरकार कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये कि आपका फ्लिपकार्ट के साथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है कि हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपका ऑप्शन सी होगा, रमई राम के निधन हो गया। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार में वृक्षावरण आपका 2.48% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। ये बने को सविता महतो बनी है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बच्चिया का जन्म पहली बार हुआ है। ये हुआ आपका बेगूसराय जिला में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है। ये बना आपका पटना जंक्शन पर बनाया गया पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या आपका आईआईटी रुड़की ने विकसित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़क के सबसे बड़ी नेटवर्क में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान 3रा स्थान है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है। यह आपका हैदराबाद में लगाया गया है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन वन है कि मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका सी हुआ कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की है। ये कि आपका सुंदरदिनी कार्यक्रम को शुरुआत की है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 45 है। कि बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये कि आपका डॉक्टर सील अवनीश को। नेक्स्ट का क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें के आरक्षण किया गया है। तो 33% सीटों का आरक्षण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। ये रखेंगे आपका विद्यापति के नाम से। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। ये कर आपका बक्सर जिला में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है। ये क्या आपका समस्तीपुर जिला में। ये था आपका करेंट अफेयर का, यानी बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 9। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।